हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल लर्निंग गीट। और जैसा कि आपको पता है कि डेली रात को 9 बजे एक हमारी क्लास होती है जिसमें हम देखते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आज जो है, क्योंकि है सैटरडे, तो हम देखने वाले हैं पूरा वीकली जो करंट अफेयर रहा है। मैंने आपको पूरी जनवरी का करंट अफेयर 30 क्वेश्चन का वो भी प्रोवाइड कराया था मंथली, और आज हम वीकली देखने वाले हैं, यानी कि पूरे सप्ताह में जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है बस उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन पिक करके यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आज कोशिश करिएगा कि आपके सारे आंसर्स सही होने चाहिए, क्योंकि आपने हफ्ते भर क्लास अटेंड की है और हफ्ते भर हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इसके अलावा जिन लोगों की प्रीवियस क्लासेस मिस हो गई हैं, तो करंट अफेयर 2019 और 20 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं सारी क्लासेस। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 से फिसलकर कितने स्थान पर पहुँच गया है, 40, 50, 32 या 45। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने कराया था। पहले 36वें स्थान पर था। सो यस, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 40वें स्थान पर पहुंच गया है। और ये जानकारी जो है अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की रिपोर्ट में दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है, जयपुर, हैदराबाद, आगरा, ग्वालियर, मतलब ऑफिशियली प्रॉपर सर्टिफाइड किया गया है। सो यस, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना जो है राजा जयसिंह ने की थी। ये बेसिकली अपनी स्थापत्य कला के कारण जो है जाना जाता है। और वैसे भी राजस्थान जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, और अभी से वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रॉपरली सर्टिफिकेट मिल चुका है यूनेस्को के द्वारा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की है, फटाफट से बताइए। संबल गुजरात, वधावन महाराष्ट्र, रामेश्वरम तमिलनाडु या जैसलमेर राजस्थान। सो ये भी काफ़ी लेटेस्ट अभी बताया हुआ था। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, वधावन महाराष्ट्र। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। रीजनिंग और कंप्यूटर की भी एक प्लेलिस्ट बनी है सुपर टेट के लिए, तो वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसमें भी रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, कमलेश्वर चौपाल, महंत दिनेंद्र दास, के पराशरन या डॉक्टर अनिल मिश्रा। और यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, के पराशरन। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया है, राजस्थान, बिहार, झारखंड या गुजरात। चलिए देख लेते हैं क्या सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा, राजस्थान, क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर हम 2018 की रिपोर्ट देखते हैं तो उसके हिसाब से राजस्थान को मानव तस्करी के मामले में 6वें स्थान पे रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से निपटने के लिए निवारक प्रक्रियाओं के बारे में लोगों को जागरूकता का प्रसार करना इस अभियान का उद्देश्य होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, मुहिम पोर्टल, संतुष्ट पोर्टल, सुनवाई पोर्टल, जागरूक पोर्टल। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संतुष्ट पोर्टल। तो संतुष्ट नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं के साथ साथ जो कर्मचारी राज्यगत बीमा निगम की सेवाएं, इन सब की भी निगरानी की जाएगी। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे एक और भी चैनल है एग्ज़ाम डोज, जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनको बता रही हूँ, एग्ज़ाम डोज एक अलग चैनल है हमारा, वो उस पर भी टेट एग्ज़ाम्स की ही प्रिपरेशन होती है। कुछ क्लासेस हमारी यहाँ चलती हैं, कुछ क्लासेस हमारी वहाँ चलती हैं, तो
लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा हमारा लर्निंग नीड और एग्जाम डोर दोनों ही चैनल। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया है? श्री राम मंदिर सेवा ट्रस्ट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम सेवा समिति, श्री राम जन्मभूमि कल्याण समिति। तो इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये इसका नाम डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? फटाफट से देखिए, DRDO, इसरो, यूनेस्को, गूगल। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, हम गेस कर सकते हैं बहुत इजीली। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसने जो है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में युविका कहा जाता है, इसके दूसरे सत्र के आयोजन की घोषणा की है। इसरो ने इस कार्यक्रम को 2019 में लॉन्च किया था, और इस कार्यक्रम के तहत जो स्कूली छात्र होते हैं उनको अंतरिक्ष विज्ञान और इससे जुड़ी तकनीकी की जानकारी दी जाती है, ताकि वो आगे चल के भविष्य के लिए कुछ अगर प्लान करना चाहते हैं, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो भी जानकारी रहेगी कि उसमें क्या क्या करना पड़ता है, तब तो डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ हमें इस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं। अच्छा, इसका आयोजन कब होगा अगर इस साल की बात करते हैं तो 11 मई से 22 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या केरल? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? ईरान, UAE, जॉर्डन, कुवैत। देखिए ये सारे वही क्वेश्चन थे आज जो मैंने कराए हैं, जो मैंने इस हफ्ते आप लोगों को करवाए हैं ऑलरेडी। जो लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं, हमारी बहुत छोटी सी क्लास होती है, हार्डली 10 मिनट की क्लास होती है, 10-11 मिनट से ज़्यादा की हमारी रेयरली ही शायद ही कोई क्लास होती हो, कोई क्लास नहीं होती है। इतने कम टाइम में हम कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ों को डिटेल से बता दें, विद एक्सप्लेनेशन बताएं। और जो लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपके 10 में से 10 आंसर सही होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, क्योंकि उससे हमें भी अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है कि और बेटर करें। आपके लाइक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज़ उसको उसमें कोई कंजूसी नहीं किया करिए। एंड चैनल पे जो लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसके लिए करेक्ट आंसर। तो इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी के और दुबई के साथ लगने वाली जो सीमा है उसके पास करीब 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार का पता चला है। अगर बात करते हैं कि ये जो विशाल भंडार मिला है इसका, इसके बाद जो है ये UAE अगले 50 वर्षों तक अपने विकास के जो, मतलब जो भी उनका डेवलपमेंट प्रोसेस होगा, कार्यक्रम होंगे उनके लिए, उनके पर जो भी प्रोजेक्ट होंगे उसके लिए प्राकृतिक गैस के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। यह गैस क्षेत्र जो है वो 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और अभी तक ये UAE में हुई मिली हुई प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है। तो वाकई में ये काफ़ी जो है उनके लिए एक अचीवमेंट है UAE के लिए। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल जानकारी मैं देना चाहूँगी चैनल के बारे में। तो यस, क्लासेस जो है आपकी GK की चल रही हैं, जो लोग चैनल पे न्यू हैं उनके लिए है ये सारे अपडेट्स। GK की क्लास आपकी एग्जाम डोज पे ही चल रही है, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम डोज चैनल की। और बाकी हमारी एक क्लास चल रही है सुबह 10 बजे इंग्लिश की, इस वक्त हम इंग्लिश देख रहे हैं, बाकी 10 बजे ही लैंग्वेज की क्लास चला करेंगी सारी, हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश ऑल। उसके अलावा
दोपहर को 3 बजे हमारी क्लास चल रही है, जिसमें हम इस वक्त देख रहे हैं कंप्यूटर और रीजनिंग। जैसे ही इसका सिलेबस कंप्लीट होता है, वैसे ही हम अदर सब्जेक्ट इसी टाइम पे इंक्लूड कर देंगे। और रात को 9 बजे एक हमारी क्लास होती है। 9 बजे इन द सेंस कि नेटवर्क का कभी इशू होता है तो 9:05, 9:10 हो सकते हैं, बट अबाउट 9 बजे ही हमारी एक और क्लास होती है, जिसको हम करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं। करंट अफेयर की क्लास होती है इन शॉर्ट। एंड यस, ये अभी ये सारी क्लासेस वीडियो फॉर्म में ही चल रही हैं, यानी कि लाइव क्लास नहीं हो रही है। लाइव क्लास का जब भी होगा, मे बी समर वैकेशंस में लाइव क्लास पॉसिबल हो पाएगी, तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा और लाइव क्लास आप ज्वाइन करिए। तो चलिए ठीक है, सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।